मेकओवर पहाड़ी। तो कैसे आप सभी लोग? तो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके बहुत दिनों के बाद। बहुत दिन के मतलब यार ऐसे 10 दिन हो गए हैं और पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने जो दिन हो गए होंगे। गाइस मेरे साथ है मेरा पर्सनल ड्राइवर झबरू ड्राइवर। तेरा नाम आजकल मैंने झबरू रखा है यार। सकल तो दिखा, पता चला मगर लफा धंधे तू है। ये मेरे को ले फ्री में नहीं ले जा रहा है, 100 रुपए का मैंने इसके उसमें तेल भी डाला है। और यार मैं ये मायके जा रही हूँ, इतना महंगा पड़ता है ना, मैं मायके जा रही हूँ 400 का सामान ले जाना पड़ रहा है, पूरी दाड़ी खत्म। ससुराल में यार सस्ता पड़ता है यार मेरा, 50 रुपए का टिकट बस, 100 रुपए का टिकट बस, वहाँ कुछ ले जाना भी नहीं पड़ता। ससुराल सस्ते में निपट जाती हूँ मैं। बर्दों के बॉर्डर में एंट्री मार ली और ये देखिए यहाँ पे ना गेहूँ की मनाई चल रही है और सब भूसा भर रहे हैं देखो, और बाकी थोड़े लोगों के गेहूँ बचे भी हुए हैं अभी। गाइस देखो मेरी हालत कैसी हो गई, घर पहुंचते पहुंचते और बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मैं जिसके लिए यहाँ आई थी वो ये घर में ही नहीं है। तो बुग्गू ना अपने नैनीहाल चले गया है। नहीं मेरा मन नहीं लगता उसके बिना, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा उसके बिना। घर आने का फायदा ही क्या हुआ, बुग्गू तो है ही नहीं। आज हमने भावर से दो लेबर मंगा रखे हैं, ये देखिए। भौजी हम तो चिल कभी नहीं सार यार, देख आप शहर है करना, आप चिल सारना जा रहे हो। हम तक तो निशार यार दिल दीदी भौजी देखो ना आप देखो ना। तो गाइस ये देखो यहाँ पे भूसों का ढेर और ये भूसे जैसे मेरी मम्मी देना क्यों फुटा आज कल खराब होने को दिखाई स्ट्रॉबेरी। वाओ तो गाइस देखो हमने स्ट्रॉबेरी का पेड़ लगाया और यहाँ पे प्यारे प्यारे स्ट्रॉबेरी आई है। वाओ ये देखियो लगू जो, अरे ये ऊपर को जाएगा अब। अरे इसे डंडा लगाना है इसमें फिलहाल, एक मोटा मोटा जड़ा नहीं गुल्लू। अच्छा ये देखो फूल अब कितने अच्छे हो गए। सो गाइस यहाँ पे भूसा अंदर रखा जा रहा है देखो, ये अभी दुकान में थी अभी अभी यहाँ पहुंच चुकी है ये। और ये रही हमारी गंगुली, ओ गंगू ओ गंगू, जमाई मम्मी तो आज तक मोटे जो लगन सर की बात चले तो सुजन रे मुखड़ में आखा लगे देखन रे पति ला रे देखा मम्मी का तो अंगूठी चले हे जला हे तो आंख बंद है ना ना तो कान से ना आंख नहीं देखड़ी मम्मी का तो अंगूठी हूं दी ओ जो मम्मी तक के है गो मम्मी तक के है गो। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे कैसी मार मार पड़ रखी है, वो देखिए वहाँ पे सब के गेहूं के ढेर पड़े हैं, वहां पर ट्रैक्टर से मनाई हो रही है गेहूं की। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी गेहूं का ढेर लगा हुआ है और हमने यहाँ पे की थी मनाई, ये सामने हमारा घर और यहाँ पे हमने की थी मनाई तो हमारी तो हो चुकी है। अरे अभी भूसा भरना भी रहा है वहाँ शायद, हमारा प्याज और वहाँ पे टमाटर लगा रखी है, थोड़े थोड़े टमाटर भी होने लगे और पता है हमारे अंगूर भी आने लगे उस साइड पे, अंगूर का पेड़ साइड पे अंगूर लीची वीची सब आने लग गई है। जी देखिए ये हुए हैं हमारे 6 कुंटल गेहूं, मम्मी बोल रही थी 6 कुंटल हुए हैं, फिर भी हमें थोड़ा खरीदने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे गेहूँ ज्यादा लगता है ना। ये देखिए इतने से हुए हैं बस। अरे खाद तू थक गई होगी ना लल्ला मुझे तक उधर जाओ, मम्मी धूल आ रही है देख उधर से लो भाजी खाओ, मैं तो बड़ा बड़ा खा लेती हूँ तुम लोग खाओ। गाइस देखो रात होने वाली है, ये अभी तक यहीं पे लगे हुए हैं। मम्मी इसको सब अभी करके जाओगे क्या, ये पूरा भूसा अभी भर के रहने दे यार, वो भरी अब सब भर लगे क्या लो मतवा। हुआ आपको
माई के आगे मैंने कपड़े और कुछ करूँ ना करूँ कपड़े जरूर धोने हुए। तो गाइस मैंने कहा था ना कि इस सीजन चल रहा है, देखो कितना टफ है यहाँ पे यार सरवाइव करना गांव में है यार। मतलब हम जब सब्जियों के वो या मतलब यहाँ से तो ऐसे सस्ती जाती है, जब हम सब्जियों के रेट सुनते हैं किसी और चीज़ के रेट सुनते हैं हमें कैसा लगता है ना यार इतना महंगा। बट देखो मैं असली स्ट्रगल दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे अभी भी गेहूं की मनाई चल रही है। इस हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, हमारी तो मनाई हो गई थी बट वो भाभी आई थी ना हमारी मनाई करने, तो यहाँ पे एक दूसरे के जाते रहते हैं तो मम्मी गई है उनका, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो सब ना वेट कर रहे हैं ट्रैक्टर का भी, वो किसी और की, देखो नीचे किसी और की मनाई चल रही है। इसके बाद हमारा नंबर आएगा, देखो यहाँ सब इंतजार कर रही है। ये किसके गेहूं है गाइस? गाइस ये किस जो मत चप्पल नहीं पहन ले दादी प्रणाम। भोजी बोलो भोजी चप्पल नहीं पहले जो बच्चा पहले। ये देखो गाइस यहाँ पे मनाई, ये देखो विद्या कितनी टीम लगाते हो यार, ये आप फोन छुपाने से क्या होगा, जो चुप रहे हैं नीचे से उड़ गए हैं गेहूं के दाने के तुम इतने घंटा छोड़ बहुत कांची। गेहूं का ढेर यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं ट्रैक्टर का। यहाँ पे देखो प्याज भी है बगल में और वहाँ पे भी गेहूं रखे हुए हैं। यहाँ पे इंतजार चल रहा है भारी भरकम। ओ तू क्या कर रही है रात को यहाँ? क्या फुरफुरी बन के क्या आई है? जा जी जा जी जा जा बहुत ठंडा हो रहा है। बाय बाय गाइस, अच्छे से मानना गेहूं की मनाई अच्छे से करना। वाह पूजो पूजो तो इतनी अच्छी लग रही है ना। गाइस यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है, मैं तो जा रही हूँ वापस अपने घर। ओहो ये देखो गेहूं, वाओ कैसे लहरा रहे हैं। ये हमारा घर लोग था ना वो रात का था और मैं अभी पार्लर आ चुकी हूँ तो मैं इसको ना कंप्लीट कर रही थी। हाँ तो मैं उस टाइम पे सो गई थी, मेरी मम्मी शायद हाँ आधे घंटे बाद, मतलब उतने सारे गेहूं थे ना उनके तो उसमें लगा होगा शायद 10 मिनट लगा होगा उसकी मनाई करने में बस। तो मम्मी आई थी 10 बजे, उस टाइम पे 9:30 बज रहा था जब मैं उनके खेत में जा रही थी, तो उसके बाद मैं सो गई थी। मैं मेरे को पता ही नहीं, मतलब मुझे पता चला मम्मी आई, मैं टाइम देखा 10 बज रहा था, उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं था। सीधा सुबह उठी भाग भाग के पार्लर आई और यहाँ की इतनी भीड़ हो रही थी। अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, अभी 5:30 बज गया है, बस उन्हीं लोगों के भी जाने का टाइम हो गया, मेरे भी जाने का, मतलब मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं 7 बजे। तो आज का व्लॉग ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय बाय।